हो? ये ना अमन को भेज दिया यहाँ पे, मरीज सिर दर्द बहुत खराब है, मरीज चिल्लाए क्लिनिक के पास, मरीज बहुत इमरजेंसी में है। मुझे अपना फोन नंबर बताएं प्लीज। मुझे मेरा फोन नंबर याद नहीं आ रहा, मैं भूल गई। ओके, तो ये बताएं मरीज को क्या हो रहा है अभी? हार्ट पेशेंट है, हार्ट पेशेंट है वो। आप बिल्कुल रिलैक्स हो जाएं, ठीक है? आपके लिए एम्बुलेंस रवाना करवा दी हमने। खाने पीने के लिए फिलहाल इन्हें कुछ ना दें, और अगर ये उल्टी करते हैं तो करवट के बल आपने लिटाना है ताकि सांस की नाली में घुसे ना। ठीक है, थोड़ी देर में हमारी एम्बुलेंस आ रही है। बहुत बहुत शुक्रिया मैम कॉल करने के लिए। थे हम लोग रात को 12 बजे का टाइम था, तो अचानक भाई भाग के आया, दरवाज़ा ठकठकाया मेरा, पूछा क्या है खैरियत, बोला कि मेरा बेटा सांस बंद हो गया बेटे का। तो मैं भाग भाग के दौड़ा घर में आया, घर में आया देखा वाकई बिल्कुल उसके अंदर सांस नहीं थी। फिर मैंने बोला कि भाई अभी तो डॉक्टर के पास ले जाएंगे कहीं, तो वहीं पर एक बंदा खड़ा था, उसने बोला मेरे पास नंबर है आप ले जाओ, जाना हॉस्पिटल पर। तो हमने कहा कैसे ले जाएँ, यहाँ पर गाड़ी नहीं है, यहाँ पर एम्बुलेंस नहीं है, कोई ऐसा इंतज़ाम नहीं है। तो उसने बोला आप हमारे पास नंबर है, बोला अमन हेल्थ का नंबर है हमारे पास, मैं कॉल कर लेता हूँ। तो मैंने समझा कि यह होगी आधा घंटे के बाद आएगी, अभी देहात में कौन थी गाड़ी आएगी, बच्चा तो ख़त्म हो गया। बड़ा दुख और रो रहे थे हम लोग, रो रहे थे, अफसोस कर रहे थे कि बच्चा मर गया, बच्चा मर गया। तो देखा कि 6 से 7 मिनट के अंदर अमन हेल्थ वाले की गाड़ी आ गई, उसके अंदर 2 डॉक्टर थे, बड़ी जगह थी, उसके अंदर एयर कंडीशन चल रही थी, उन्होंने ऐसा इंजेक्शन लगाया था और आंसू गैस जो नहीं लगती ऐसे मुंह पे वो लगाई थी उन्होंने। तो इतने में बच्चे की थोड़ी सांस आ गई थी, आंखें थोड़ी खुल पड़ी, तो हम मुस्कराएं, सब मुस्कराएं, फौरन हम लोगों को जाना हॉस्पिटल पहुंचाया उन्होंने एडमिट कराया अपने हाथों से, और उसके बाद जो नहीं हमारे से रवाना चले गए। मेरे पास नंबर मैंने डायरी में लिख दिया है अपने, कई इमरजेंसियाँ होती है, कई पड़ोसन में हो गई, अपने घर में हो गई, तो अमन हेल्थ को बुलाने में हम लोगों को मदद मिलती है, उनका सहारा मिलता है। हम शुक्र गुजार हैं कि हमारा बच्चा बच गया, ये अमन हेल्थ की वजह से बचा है।